लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। भाजपा विभिन्न सीटों पर मंथन करने लगी है। राजस्थान में भी जो 25 सीटें हैं उनको किस तरह से जीते इस पर भाजपा गहनता से मंथन कर रही है। बताया जा रहा है कि आगामी कुछ समय में जो भाजपा की पहली सूची आने वाली है उसमें कई नाम राजस्थान से हैं। मेवाड़ वागड़ को लेकर भी कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। उसमें चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है उन सीटों पर काफ़ी तेज कयास है। जिस तरह से डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो सीट है, महेंद्रजीत मालविया जो भाजपा में शामिल हुए हैं, अब उनको भाजपा में टिकट देने के लिए कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा यही है कि मैं जो महेंद्रजीत सिंह मालविया है उस पर भाजपा दाव खेल सकती है। वहीं कांग्रेस में भी अब हलचल शुरू हुई है। जो पूर्व मंत्री रहे अर्जुन सिंह बामणिया, उनके बेटे पर दाव लगाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि अर्जुन सिंह बामणिया के जो बेटे हैं विकास बामणिया, वो जो अर्जुन सिंह का जब चुनाव हुआ था, अर्जुन बामणिया का चुनाव में पूरा मैनेजमेंट उसी विकास ने संभाला था। उसके बाद जो उप जिला प्रमुख है विकास बामणिया, ऐसे में भाजपा उस कांग्रेस से जो उस पर दाव खेलने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जो विकास बामणिया है उनकी पकड़ भी उस क्षेत्र में अच्छी है। कांग्रेस के जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री, उनके बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं उस बेटे पर कांग्रेस दाव लगाने की तैयारी में। अर्जुन बामणिया ने एक बयान में कहा था कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जा सकता है। साथ ही जो भाजपा है महेंद्रजीत मालविया को उतारने की तैयारी कर रही है। उस क्षेत्र में एक अच्छी खासी पकड़ महेंद्रजीत मालविया रखते हैं। पहले कांग्रेस में थे और अब भाजपा में शामिल हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस के जो सरपंच है, जो नेता है, उनको भाजपा में शामिल कराएंगे, उससे और उनकी जो मजबूती है वह बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ कुछ विरोध भी देखने को मिलेगा। जो पहले से लोग तैयारी कर रहे थे, जो आम कार्यकर्ता पहले से जुटा हुआ था, हो सकता है उनको मौका नहीं मिले। और कांग्रेस में भी यही है, जो विकास बामणिया है या उससे जो दूसरे गुट हैं वह हावी हो सकते हैं। जिस तरह से अर्जुन बामणिया और महेंद्रजीत मालविया एक दोनों के गुरु विरोधी थे और जो चुनाव में भी देखने को मिला था, अब दोनों आमने सामने होकर चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ जो महेंद्रजीत मालविया जो भाजपा में शामिल हुए हैं उनकी कयास है, उनको टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि उनको भाजपा में इसीलिए शामिल कराया गया ताकि उनको टिकट दिया जा सके, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सके। साथ ही जो विकास बामणिया है, अर्जुन बामणिया के पुत्र, उनको इस कांग्रेस में लड़ाने की तैयारी की जा रही है। उन पर दाव खेलने की कांग्रेस तैयारी कर रही है, जिससे अब हो सकता है उस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिले, क्योंकि वहां पर आदिवासी पार्टी भी है और आदिवासी पार्टी पूरी तरह से दमखम दिखा रही है। और जिस तरह से नागौर में त्रिकोणीय मुकाबला होता है, ठीक उसी तरह अब बांसवाड़ा में भी त्रिकोणीय मुकाबले की ओर आगे बढ़ रही है। जिस तरह से पहले गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस का बा पार्टी से गठबंधन हो सकता है, लेकिन गठबंधन पर भी जो था ब्रेक लग चुका है। एक मंत्री ने, पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अभी इस तरह का कोई गठबंधन नहीं कर रही है, नहीं बा पार्टी से कांग्रेस गठबंधन करेगी। ऐसे में अब फिर से उस क्षेत्र की चर्चा जोरों पर है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है, नरेंद्र मोदी सहित जो जेपी नड्डा है वह सीटों पर मंथन कर रहे हैं। राजस्थान में किसे उतारा जाए, ऐसे में जो पहली श्रेणी की सूची है उसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर जो सीट है उसका नाम आ सकता है। तो अब कयास जोरों शोरों पर शुरू हो चुके हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।